सर्विस सुविधा केंद्र के नाम से 100 रुपये की रसीद बनाते हुए 2 युवती और 1 युवक को गैस एजेंसी वालों ने पकड़कर थाने पहुंचाया है। पुलिस जांच में जुटी है। बरवाई एजेंसी और एकता एजेंसी के संचालकों ने आवेदन देकर पुलिस से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एजेंसी संचालकों ने बताया कि हमें सूचना मिली है कि कुछ लोगों द्वारा गैस संबंधित निरीक्षण किया जा रहा है जो बिना अनुमति के है। गैस से संबंधित जो निरीक्षण होते हैं उसमें अधिकृत एजेंसी अपने हिसाब से निरीक्षण करवाती है, लेकिन सर्विस सुविधा केंद्र संबंधित लोग बिना अनुमति के ही निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के नाम से धोखाधड़ी के सभी उपभोक्ताओं से रुपये वसूले जा रहे हैं। एकता एजेंसी के संचालक राकेश राय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनके और भी कोई साथी हो सकते हैं जिनकी जांच की जाना चाहिए। कुरवाई से सानू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संदीप दुबे। आप एजेंसी चलाते हैं? बरवाई गैस एजेंसी से हूँ मैं। अभी कुछ मामला हुआ था, 2 महिला एक पुरुष को आप थाने लेकर आए थे। जी, क्या मामला है? वो 2 महिलाएं और एक पुरुष क्या है, गांव-गांव जाके कुरवाई में हर घर से 100 रुपए के सर्व सुविधा टोकन काटते जा रहे हैं। हाँ। हम सबका चूल्हा ठीक करेंगे। हुँ। लेकिन उनका जो मालिक है वो पता नहीं कहाँ रहता है, कुरवाई से बता रहे हैं वो लोग। उनका हेड ऑफिस बोले ग्वालियर बोल रहे हैं, कोई भोपाल बोल रहे हैं। लेकिन कस्टमर हमसे गाँव के लोग आ रहे हैं, काय की रसीद कट रही है, कैसी कट रही है, हमारा चूल्हा कनेक्शन तो आपसे लिया था हमने, ये लोग क्या ही काट रहे हैं? नहीं, आपके द्वारा फ्री सर्विस कराई जाती है क्या? हम लोग फ्री सर्विस करते हैं, कंपनी द्वारा बोलते हैं आप 10 ग्राहकों के पर डे आप गैस चूल्हा सुधार के सर्विस फोटो खींच के हमको भेजेंगे। आप किसी से पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं लिया। उनका कहना ये है कि हम एक NGO है हमारा रजिस्टर्ड, उसके तहत हम सर्व सुविधा युक्त ये गैस सिलेंडर हम सही करते हैं। वो कहाँ से करेंगे? ग्वालियर से रसीद काट के चले जाएंगे तो यहाँ करने आएंगे क्या? कोई उनका ऑफिस है क्या? ठिया है भाई, गाँव के आदमी कहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाँव के चूल्हा खराब हो जाएगा तो वो यहाँ के कैसे ठीक कराने खुराई जाएगा क्या? वो के कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे कि पहले पैसे क्यों ले रहे हैं? बोले आप यहाँ जगह बनाओ, ग्राहकों को अपना समझ में तो आया कोई यहाँ पे एजेंसी है, कोई फर्म है, ऐसा तो कोई भी लपेट के चला जाएगा। इसमें से मैं आपने आवेदन दिया है? मैंने अभी आवेदन दिया है, थाने में बताया कि ये लोग कर रहे हैं फर्जी। ये लोग तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं एक कार्रवाई चाहता हूँ, 420 है, लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, उसको अवगत कराएं सब लोगों को। कौन सी एजेंसी चलाते हैं आप? बरवाई गैस एजेंसी। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश राय। कौन सी गैस एजेंसी चलाते हैं आप? एकता गैस एजेंसी को भाई। भारत गैस एजेंसी जी। क्या था अभी आपने 2 महिला और 1 पुरुष को आप 2 लोग यहाँ लेकर आए थे थाने, क्या मामला था? काफ़ी समय से हमारी एजेंसी को जानकारी मिल रही थी कि बाहर से कोई खुरई के हैं, ग्वालियर हैं या भोपाल के, तो एक ग्रो टाइप का है इनका, करीबन 40-50 लोगों का। तो ये गाँव पहुँच कर या तो इंडियन गैस हो या भारत गैस हो, उनका हवाला देकर ये घरों में अंदर घुसते हैं और गैस चूल्हे के नाम पर 100 रुपये की एक रसीद बनाते हैं। आपकी कंपनी ने क्या इन्हें ऑथराइज करके रखा है? जबकि इन्होंने जब इनसे बात हुई तो इन्होंने ना तो एकता गैस एजेंसी भारत की जो कुरवाई में संचालित है उनसे बात करी, संचालक महोदय से, जो इंडियन गैस भारत की है, इंडियन गैस बरवाई की है, तो उनसे भी संपर्क नहीं किया। जब दोनों डिस्ट्रीब्यूटरों से बात हुई कि आपने अनुमति ली है क्या इन लोगों ने? आपने इनके खिलाफ आवेदन भी दिया है क्या? हाँ, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्या मांग की आवेदन से आपने? इन पे उचित कार्रवाई की जावे और जो 420 उन्होंने की है उन पे मुकदमा दर्ज किया जावे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा महेश। अभी शिकायत मिली है कि आप घर घर जाकर 100-100 रुपये उगा रहे थे। नहीं सर, हम कार्ड बनाते हैं। किस चीज का कार्ड बना? गैस का कार्ड बनाते हैं। कौन सी कंपनी है? सर्विस सुविधा केंद्र। ये कौन सी कंपनी है? NGO है। कब से कर रहे हो ये काम? अभी हमें 2-3 हफ्ते हुए। ये NGO के काम थोड़ी होते हैं, NGO का काम तो सामाजिक कार्य करना होते हैं ना, कि गैस सिलेंडर की अपन नाम पे उगाही करना। अपन गैस के कार्ड, गैस के सर्विस। आपका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस फरही। इसका हेड कौन है? हेड का सभी रवि है। रवि। इसके ऊपर कौन है? मैडम है। कौन सी मैडम? नाम? मैडम का नाम नहीं पता, अभी हम नई जॉइन है। इनका हेड ऑफिस कहाँ पे? निधि जैन बताया था। वो कौन है? निधि जैन कौन है? निधि जैन कौन है? निधि निधि जैन मैडम ही होंगी शायद, हमें पता नहीं है उनका नाम पक्का। मतलब हम कार्ड बनाते हैं। एक दिन में कितने बना देते हो? एक दिन में हमें। ये आपका NGO है क्या? आप इसके हेड ऑफिसर आप ही हैं क्या? नहीं हम नहीं। तो इसका हेड ऑफिसर कौन है? हमें पता नहीं है, हमें भाई नई जॉइनिंग है। आपकी ज्वाइनिंग किस पद के लिए हुई है? रवि कौन? कार्ड बनाने के लिए घर घर जा। नहीं, आप जैसे रहते ना सर्विस प्रोवाइडर हो क्या, कुछ आपका सर्वेयर हो क्या, किस पर सर्वे करते हैं हम लोग? सर्वे करते हो। आपके साथ 2 और जो युवती थी उनका नाम क्या है? है? उनका नाम हमें पता नहीं है। उनके साथ काम कर रहे हो तो मैं उनका नाम नहीं पता। पता ना अबे तुम यहाँ भेजने, किसने भेजा है यहाँ पे? फील्डरों ने भेजा है। फील्डर कौन है आपके सर, जो जिनने भेजा है उनका क्या नाम है? रवि सर। रवि सर है। ये कहाँ है?
ये आ रहे खुराई से आ रहे हैं। खुराई से आ रहे हैं। कुरवाई में कितने लोगों तक आप पहुंचे अभी तक? अभी तक हमने दो रखी थी, काटी थी अकेली। इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे? खुराई में कर रहे थे। तो आपने उधर खुराई की सारी रसीदें काट दी? खुराई में क्षेत्र में आपने? अभी मतलब हम आज ही ज्वाइनिंग हुई। अच्छा, इससे पहले वहाँ पे कौन काट रहा था? हमें नहीं है पता। जैसा कि हमें सूचना मिली है ग्रामीणों के द्वारा, जरगवा आप पूरा गांव काट चुके रसीदे, केथोरा आप पूरा गांव काट चुके, बनावर आप, बुखारा आप पूरा आपने काटा, आपके सर्वसुयुक्त की रसीदे है हमारे पास। जैसा कि यहाँ की कुरवाई की गैस एजेंसी वालों ने आपकी कंप्लेंट की है कि हमारी कंपनी से ये ऑथोराइज नहीं है, जबकि हमारे गैस कनेक्शन यहाँ पर बटे हुए हैं, इंडियन ऑयल, इंडियन भारत गैस, इनके कनेक्शन यहाँ बटे हैं। जब इनकी कंपनी के लोग नहीं है सर ये, तो आप लोग ये फर्जी फार्म बना के ये कर रहे हो क्या? सर बीमा वाली रसीदे एजेंसी वाले हमारे चूल्हे की सर्विस कार्ड बना? नहीं, चूल्हे की सर्विस भी वही करते हैं, वही करते हैं, वो जो चूल्हे बेचते हैं उनकी कंपनी के वो बेचते हैं, तो आप वही करते हैं। तो फिर उन लोगों ने आपको पकड़ के यहाँ क्यों थाने क्यों लेके रहा? थाने मतलब उनने मतलब परमिशन बताया, मतलब बोली तो नहीं, जब वो उनकी कंपनी के आपके द्वारा परमिशन का लेटर आपने है, आपने सील साइन यहाँ कराया, तो फिर आपको रोक के क्यों रखा गया? रोक के मतलब डीआई साहब बुरा लग जाओ और फिर आप लोगों को भेजा दिया, उसका हमें कोई पता नहीं। हम लोगों ने भेजा दिया, हम लोगों को तो गैस एजेंसी वालों ने और ग्रामीणों ने बताया, शिकायत की हमसे, हमें वो नहीं है पता सर। कम से कम 50 लोगों ने शिकायत की है, दो गैस एजेंसी वालों ने, हम तो उनके हमरा बोला है, हम तो चूल्हे के कार्ड बनाते हैं चूल्हे वालों को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।